मैं आ चुकी हूँ कोलकाता की धर्मतला एरिया पे। 6 मंथ के लॉकडाउन के बाद मैं अभी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ 6 मंथ के बाद। बहुत ही दुख हुआ है, मेरे को बहुत कुछ शॉपिंग भी करनी है, इसके लिए मैं धर्मतला आई हूँ। और चलो आप लोगों को जो भी हो सके दिखाऊंगी। एज़ यूजुअल मैं आज भी लेट हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल आके पहुँचूँ। अभी घड़ी पे बज रहा है 9:45। मैं निकली थी 10:30 बजे, लेकिन इतना टाइम आने में लग गया क्योंकि ट्रेन बंद है, दैट्स व्हाई। तो चलो टाइम नहीं गवाएंगे, जाएंगे, मेरे को शॉपिंग करना है, फिर घर भी लौटना है। तो चलो चलते हैं। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, मैं धर्मतला में आ गई हूँ। अभी मैं न्यू मार्केट के पूरे सामने हूँ। ये एरिया मतलब इतना सुनसान है लॉकडाउन के बाद। 6 महीने पहले भी जब मैं आई थी ऐसे ही, तो उस टाइम पे मतलब यहाँ पर बहुत क्राउड रहता है, लेकिन अभी अगस्त का ये एंड हो रहा है और दुर्गा पूजा के साथ कोलकाता का एक अलग ही इमोशन है। लेकिन मतलब दुर्गा पूजा के टाइम से यहाँ पर इतना क्राउड होता है, लेकिन अभी अगर देखो आप फिलहाल पूरा सुनसान एरिया, अभी मतलब कोई उतना लोग ही नहीं है। मैं आप लोगों को आगे भी और भी दिखाती हूँ, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। गाइज आप सब लोग देख सकते हो यहाँ पर अभी मतलब ज़्यादा लोग है ही नहीं। और आज तो फिलहाल संडे है, संडे को यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है ये एरिया, लेकिन अभी अगर यहाँ पर देखो कोई नहीं। और कल हमारा लॉकडाउन है, मैं तो सोची थी कि आज थोड़ा बहुत यहाँ पर क्राउड होगा, लेकिन ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि ऐसा हो सकता है। यहाँ पर आई ये डब खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर डब भैया ही नहीं है। फिलहाल उस सामने भी एक है, अगर डब भैया नहीं मिला तो बहुत ख़राब हो जाएगा, मैं बोलती हूँ। ओ डब भैया यहाँ पर भी कोई नहीं है, गाड़ी यहाँ पर छोड़ के चला गया यार। अभी कहाँ पर मिलेगा, छोड़ो, डब तो नसीब नहीं है। दूधेर गोल ज्वाले मेटानो, वही कर रही हूँ। अभी डाब तो नहीं मिला, जाके मेरे को अभी पानी खरीदना पड़ेगा, वही और क्या करे, नसीब। मेरे साथ हर वक्त ऐसा ही होता है। अभी पानी खरीद लिया, अभी डाब काकू भी आ गया, तो मैं तो डाब ही खाऊंगी। अभी चलते हैं काकू के पास एंड काका को बोलेंगे इतना लेट करना क्यों। ভালো লেগে দাও। अरे ये तो काका ने मेरे को एकदम अच्छा सा डाब दिया, अभी ये मैं खाऊंगी। गाइस आप लोग भी बताना आप लोगों को कौन सा पसंद आया। मेरे को भी ये वाला ही ज्यादा पसंद। प्राइमर दे एक तो कांटेक्ट दे एटा কত 100 एक कम करो কিছু সব 100 100 কিছু কম করো 100 খালি 100 বাস ले यार बाद ले ले के गए एक को दिया एक भी दे हमारा बोन देखो यार जरा लेने वाला ना 80 আমি দেখো 80 বলেছি 80 আমার কিনা দাম হ্যাঁ अब हम जाने बेटा हमारा दे रे एक 9 लाख देखो আমি বলেছিলাম ফার্স্ট টাইম এলাম ইন্টারভিউ আপনি বললেন আমি বলি তো বলছি না না একটু অত কম হয় না হয়ে যাবে আর এগুলো কি আছে প্রাইস 30 না বলি না देखो गाइज़ मैंने फर्स्ट में ही बोला ना यहाँ पर बार्गेनिंग चलती है। यहाँ पर आप लोगों को ये लोग कुछ अलग सा रेट बोलेंगे एंड फिक्स प्राइस भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइस कुछ फिक्स नहीं होता। आप जितना अच्छा बार्गेनिंग कर सकते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरे को उतना ज़्यादा नहीं आता, जितना भी आता है मैं करती हूँ। तो चलो आगे और भी देखेंगे और भी बहुत कुछ चीज़ें बाई करना है, तो चलो चलते हैं। मैंने ईयर रिंग परचेस किया, उसको तो मैं छुपा ही दूँगी। मेरी मम्मी अगर देखेगी ना, मतलब ईयर रिंग का स्टॉक करते करते इतना सारा ईयर रिंग मैंने जमा कर लिया। अभी ये पहनने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ईयर रिंग के सामने इतनी कमज़ोर हो जाती हूँ। अगर देखती हूँ और मेरे को परचेस करना ही है। अभी फ़िलहाल चलते हैं, थोड़ा टॉप्स देखेंगे, टॉप्स खरीदना है मेरे को। धर्मतला का एक चक्कर लगा ली हूँ, फिर से एक ही रोड पे आ गई मैं। यहाँ पर अच्छी टॉप्स की कोई दुकान ही नहीं देख पा रही हूँ, मतलब सभी बंद है। यहाँ पर न्यू मार्केट, सिम पार्क, सीरम सभी बंद है। और ये मास्क डाल डाल के मुंह में मेरे को इतना पसीना आ रहा है, इतना गर्मी लग रहा है, क्या बताऊँ। मेरे को मतलब इरिटेटिंग फील हो रहा है। अभी जाऊँगी एक दो दुकान उस साइड का बाकी है, देखूँगी अगर टॉप मिले तो अच्छा है, नहीं तो और क्या करें, मेरा लक ही खराब है। तो चलो चलते हैं। खाने के लिए। सुबह से तो मैं निकली थी 10:30 बजे, फिर यहाँ पर 1:45 बजे आके पहुँची, फिर गई एक झुमका खरीदा, झुमका मेरा एकदम पसंदीदार। फिर टॉप्स के लिए गई, लेकिन टॉप्स का दुकान यहाँ पर नहीं मिला, सभी बंद है, और एक दो अगर खुला हुआ है मेरे को पसंद नहीं आया। फिर एक पार्ट बाइक की और दो भी बैक बाइक के, और भी कुछ बाइक करना है, लेकिन इसके बाद जाएंगे। मेरे को बहुत जोरों की भूख लगी है, और इस दुकान का लस्सी एकदम, लेकिन सिर्फ लस्सी दोपहर में खाना एकदम मेरे को अच्छा नहीं लगता है। ले लिया कचौड़ी, ये गरम गरम कचौड़ी है, और अभी खाने में बहुत मज़ा आएगा। हम इसको खाएंगे, खा के फिर हम निकलेंगे और 2-4 चीज़ें बाकी हैं वो कंप्लीट करेंगे, फिर घर जाएंगे। घर जाके पबजी भी मेरे को खेलना है। गेमिंग चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप लोग वो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और हम लोग का डेली का कस्टम होता है, अगर आप लोग खेलना चाहते हो तो नीचे आप लोग वहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलो हम यहाँ पर खाना खाएँगे, फिर जाएँगे घर पर। ये भी नहीं खा पा रहा है, मैं भी नहीं खा पा रही हूँ, क्या होगा। फिलहाल मैं लस्सी एंजॉय करती हूँ, पहले लस्सी ले लेती हूँ और गाइस अभी हम लोग वो होटल से निकल के आए, मतलब क्या, अभी सच्ची बात बताती हूँ, हम लोगों ने कचौड़ी तो लिया, लेकिन कचौड़ी का साइज़ इतना बड़ा था, मतलब खा नहीं पा रहे थे। फिर सोचे कि लस्सी खाने के बाद शायद मन आएगा। अभी लस्सी खाने के बाद तो मतलब पेट इतना बढ़ गया कि वो भी हम नहीं खा पा रहे थे। अभी ना तो हम छोड़ सकते हैं, ना खा सकते हैं, मतलब ना निकल सकते हैं, ना उगल सकते हैं, ऐसा हाल था। लेकिन पास में देखा तो लड़का पास में बैठा था, वो भी देखा आधा खा के फिर उठ गया। फिर थोड़ा मन में जोश है, नहीं हम भी कर सकते हैं, खाना वेस्ट गया, ये ख़राब लग रहा है, लेकिन क्या करें यार, खा ही नहीं पा रहे थे। पहले से अगर मालूम होता तो इतना नहीं लेते। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ। अभी तो फिलहाल जाएंगे, थोड़ा कहीं पे बैठेंगे, फिर घर को भी लौटना है। और अभी बज रहा है 3:30, देखते हैं और क्या। चलो चलते हैं। कोलकाता पे गई, बहुत दिन बाद, 6 महीने बाद करीब, बहुत मज़ा आया। अभी घर लौटने का टाइम। तो आज का ब्लॉग इतना तक ही। होप यू गाइस एंजॉय, आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, गेमिंग चैनल का लिंक है। अगर फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाओ फॉलो करो। डूड अब तक क्या कर रहे हो।